हाय फ्रेंड्स, तो कैसे हैं सब लोग? दोस्तों, टुडे हम लोग अनबॉक्सिंग करने वाले हैं इंटेक्स का एक होम थिएटर, जो कि 1699 रुपीज़ में मेरे को पड़ा। तो आप लोग भी ये परचेस कर सकते हो। ये जो है इस प्राइस में बेस्ट होम थिएटर है। तो आपको ये मैं चला के भी दिखाऊंगा, और इसका जो साउंड कैसा है वो आप लोग सुन सकते हो, और ये प्रोडक्ट कैसा है आप लोग देख भी सकते हो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले, जिन्होंने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करो। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करो, दोस्तों के शेयर करो। तो दोस्तों, ये है इंटेक्स का 2616, जो है 4-in-1 मल्टीमीडिया स्पीकर, जिसको हम होम थिएटर बोलते हैं। तो ये जो है 1699 रुपीज़ का प्राइस है। तो इस प्राइस में ये जो होम थिएटर बेस्ट होम थिएटर है। ऐसा प्रोडक्ट मैं पहले भी मतलब यूज़ करके देख लिया कि कैसा होता है इंटेक्स का। इंटेक्स का साउंड बहुत ही अच्छा होता है, और ये मेड इन इंडिया प्रोडक्ट है। तो हमारा इंडिया का प्रोडक्ट है। तो चलिए इसको अनबॉक्सिंग करते हैं और देखते हैं अंदर क्या क्या देख रखा है और इसका साउंड कैसा है। तो इसके साथ आपको एक यूज़र मैनुअल मिलेगा, एक रिमोट मिलेगा, और तो स्पीड कर दिली एबार। और इसके साथ आपको चार स्पीकर मिलेगा। तो ये रहा तो ये रहा चार स्पीकर तो ये रहा दो स्पीकर और ये एक स्पीकर, ये स्पीकर इसको रखते हैं। और बेसिकली ये हमारा जो है ऊपर है, तो इसमें ही आपको जो बेस है ना वो सुनने को मिलता है। चलिए इसको खोलते हैं। तो ये है इंटेक्स का 2616 का जो होम थिएटर। बेसिकली ये इसका सेटअप है, और चार स्पीकर देख रखा है और एक बूफर देख रखा है। और इसमें ये जो इसका जो प्राइस है ना, आपको 1799 रुपीज़ देखने को मिलेगा। और आप पेटीएम का जो वॉलेट है उधर से परचेस करते हो तो 100 रुपये का डिस्काउंट लेके 1699 रुपीज़ मिलेगा, पड़ेगा आपको इस सेल में। तो ये जो ऑफ़र है इसमें कुछ ऐसा कुछ फीचर्स है। पीछे आपको एक स्विच देखने को मिलेगा ऑन ऑफ के लिए, और ये वाला कुछ बेस बढ़ाने का और घटाने का एक स्विच देख मतलब एक नॉब देख रखा है। और पीछे आप देख सकते हो इनपुट और आउटपुट का मतलब जो पोर्ट है, जो स्पीकर में लगता है ये पोर्ट, इसमें लगा सकते हो आप। और इस साइड एक होल है, और आगे की ओर आपको एक वॉल्यूम अप और डाउन का एक नॉब देखने को मिलेगा। और इधर आपको USB में आप कनेक्ट करके चला सकते हो, इधर आप USB में कनेक्ट करके चला सकते हो, AAT कार्ड में भी चला सकते हो। और इधर आपको वॉल्यूम अप डाउन और प्रीव्यू और नेक्स्ट सॉन्ग में जाने का भी मिलता है स्विच, और प्ले पॉज का भी मिलता है, मूड चेंज करने का भी मिलता है। और इसका जो बिल्ड क्वालिटी है ना, ये बेसिकली प्लाईवुड टाइप का है, क्वालिटी बहुत अच्छा है। मतलब ऐसा कुछ प्रोडक्ट है, और छोटा है बट छोटा पैकेट बड़ा धमाका। और पीछे देख सकते हो एक स्पीकर है। तो ये इसका ऊपर है, तो नीचे देख सकते हो आप बैठाने के लिए ठीक ठाक चार तरफ चार लेग दे के रखा है, तो आप ऐसे भी अच्छे से बैठा सकते हो इसको। और इसमें आपको FM भी चला सकते हो, FM के लिए एक वायर दे के रखा है इस साइड। तो ये जो है देख सकते हो, ये जो है FM का वायर है, आप FM जहाँ चलता है वो करके आप चला सकते हो। तो चलिए इसको पहले कनेक्ट करते हैं और देखते हैं इसका साउंड कैसा है। तो पहले मैं जो प्लग है इसको बोर्ड में लगा देता हूँ, और इसके बाद जो है इधर एक स्विच है ना, ये ऑन ऑफ के लिए है, इसको मैं ऑन करता हूँ। ओके, तो बेसिकली मेरा जो होम थिएटर ऑन हो गया। तो अभी मैं कनेक्ट करता हूँ, ये वाला बेसिकली आउटपुट में जाएगा, तो रेड के साथ कनेक्ट करता हूँ।
और वाइट वाले को वाइट वाले के साथ, वो तो कनेक्ट हो गया। और इधर आपको जब मोबाइल में मोबाइल से चला सकते हो, इसलिए आपको ऐसा एक केबल मिलेगा, तो इसको भी मैं कनेक्ट कर लेता हूँ, क्योंकि मोबाइल में से भी चला के देखेंगे और ब्लूटूथ में भी चला के देखेंगे। देख सकते हो अभी इसमें टच किया तो मतलब ये वर्किंग है। और इसको जब आप ऑन करोगे ना, ऐसा कुछ एक मतलब वॉल्यूम के साइड में ऐसा कुछ एक लाइट ब्लिंक करने को देखेगा। और इधर देख सकते हो कि AUH मतलब इस कॉर्ड के साथ कनेक्ट है। इससे मैं चला के दिखाता हूँ आपको कि इसका साउंड कैसा है। तो आप देख सकते हो इसका साउंड मतलब कितना लाउड है और कितना इसका बेस क्वालिटी भी बहुत ही अच्छा है। मतलब आप एक छोटा रूम मतलब रूम में एक रहोगे ना, तो रूम में एक ही ये लगाओगे तो साउंड जितना होगा फुल साउंड में आप सुन नहीं सकते, क्योंकि इतना लाउड साउंड है। तो घर का जो और जितना भी सारा बंदा है ना, वो आपको डांटने लगेगा, इतना इसका साउंड है। तो अंडर 1700 के अंदर जो प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट अच्छा प्रोडक्ट है, आप ले सकते हो। और मैं इसको बेसिकली अभी एक कॉर्ड से चला रहा था, तो इसको हटा के मैं इसको ब्लूटूथ में कनेक्ट करके दिखाते हूँ। तो ब्लूटूथ में कनेक्ट करने के लिए इधर एक मूड बल्कि बटन है, इसको पहले प्रेस करना पड़ेगा। ये जो है FM में चला गया था, अभी जो है ये ब्लूटूथ में है। आप देख सकते अभी साउंड में थोड़ा कम किया, क्योंकि नहीं तो बाहर वाला जो है ना वो थोड़ा दिक्कत कर देगा। तो देख सकते हो मैं कितना 60% या 50% साउंड में चला रहा हूँ, फिर भी इसका जो साउंड है बहुत ही अच्छा है। और देख सकते हो अभी जो गाना चल रहा है ना, इसमें जो है ये जो बटन है बेस के लिए है, इसको जब इधर गिरो आप करोगे ना, तब देख सकते हो बेस एकदम ख़त्म हो गया। मतलब ये बेस को कंट्रोल करता है, ऐसा कुछ इसका काम है, बेस को ये कंट्रोल करता है। तो इसको जब आप धीमे धीमे घुराओगे, देखो ऐसे करते इसका जो बेस है लाउड हो रहा है, अब ये कर दोगे तो फुल बेस में आ जाएगा ये। तो इस नोब का ऐसा ही काम है। और बेसिकली ये जो प्रोडक्ट है ये मतलब अंडर 1700 में बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है, आप ले सकते हो। क्योंकि 1700 के अंदर ऐसा लाउड होम थिएटर और ऐसा बेस क्वालिटी जैसा इसका साउंड क्वालिटी आपको कभी भी नहीं मिलेगा। तो अभी फ्लिपकार्ट में ऑफर चल रहा है, आप ले सकते हो, 1700 के अंदर आपको मिल जाएगा प्रोडक्ट। और आप लोग सुन लिए हो इसका साउंड कैसा है, जिसका बजट कम है ना तो वो बंदा ये ले सकते हो 1700 के अंदर। मतलब घर में बिंदास आप यूज़ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। और ये आप लोगे कि नहीं ये तो आपके ऊपर है, मेरा काम था आपको वीडियो बना के दिखाना कि 1700 के अंदर भी बहुत अच्छा प्रोडक्ट आ सकता है होम थिएटर। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।